लुधियाने शहर जसपाल बांगड़ इलाके एक रबर फैक्ट्री के बॉयलर फट गया। हादसे के एक वर्कर की मौत हो गई है जबकि दूजा अजे अस्पताल गंभीर हालत में दाखिल है। सो धमाके की आवाज़ के बाद है आस पास के काफ़ी लोग घटना वाली थां ते इकट्ठे हो गए। हादसे में उलसे व्यक्ति हत्थां दे विचों जिहड़ी पंप देने की कोशिश लोगों ने की लेकिन वह बच नहीं सकिया। मरण वाले का नाम जगदीश शर्मा दस्या जा रहा है। हादसे में जख्मी व्यक्ति का नाम कुंदन है। जानकारी देंदे हुए मृतक जगदीश के बेटे राजकुमार ने कहा कि कंपनी के एक महिला है उन्होंने घर आई। उन्होंने दसिया कि कंपनी के अग लग गई अपने पिता को बचा लैन। राजकुमार मुताबिक उन्होंने पिता 5 साल तो अमृत जी रबर की फैक्ट्री के काम करता है। सो 4 बच्चों का पिता से फैक्ट्री के जिहड़ा बुधवार रात में वर्कर आम दिनों की तरह ही काम कर रहे सन अचानक ही बॉयलर फट गया। सो इस उत्थे काम कर रहे 2 वर्कर जगदीश और कुंदन इसकी चपेट में आ गए। दोवां नूं अग ने अग है जिहड़ी पूरी तरह अग दे विच उलस गई। सो जगदीश की मौके पर मौत हो गई। उसके साथी जिहड़ा कोले खड़िया सी बॉयलर की चपेट में और नाल गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखते रहो लुधियाना लाइव। लड़की फोन की कहती पापा के कंपनी में आग लग गई। जब मैं सर वहाँ पहुँची तो पूरा धुआं धुआं हुआ था। मेरा भतीजा बोला कि मम्मा नहीं रहे इस दुनिया में। मैं वहाँ पे जब मैं उनसे पूछने लगी कि मेरा आदमी को किस हॉस्पिटल में भर्ती किया है, कोई नहीं बता रहा था। जगदीश शर्मा है। मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाली हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। हस्बैंड की आयु? 40 साल की। बॉयलर चलाते थे, लकड़ झोंकते थे, आग भट्टी वाली में लकड़ झोंकते थे। उनका 5-6 साल हो गए उनको काम करते हुए। जब ये बॉयलर जो आप कह रहे हो फटा है, उसके बारे में मेरे को नहीं पता। सारा लेबर सर, पूरी लेबर सही है, खाली 2 बंदे आदमी है, उसमें से 1 बंदा अभी भर्ती है, अब जिंदा है। जगदीश शर्मा का नाम नहीं पता, दूसरे का नाम नहीं मालूम। एक लेडीज बोली कि तू अपने बाप को बचा ले। मैं बोली क्या हुआ था? कहता कंपनी में आग लग गया। वो लेडीज आके बहुत रो रही थी, वो मेरे बाप को इंसाफ दिलाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप को इंसाफ दिलाओ, मेरा बाप वो तड़प तड़प के मरा होगा। वो लेडीज रोते हुए आई थी मेरे घर तक, तू अपने बाप को बचा ले। वो जनानी मैं बोली आके इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी।